सर, पर इतनी तैयारी के बाद रोहित, डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी कुछ दिनों पहले एक बयान दिया, 3-4 दिन पहले ही का ये बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो कंटेनमेंट जोन है उसमें इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा है, इस वजह से दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं। सर, कुछ कंटेनमेंट जोन्स हो सकते हैं, मैंने भी रिव्यू किया था, मैं और एलजी साहब डेली रिव्यू करते हैं कंटेनमेंट जोन्स का। हमने ये पाया कुछ कंटेनमेंट जोन्स में कुछ डीएम्स ने एरिया बहुत बड़ा कर दिया। जैसे मान लो 3 गलियों में 4 केस आए, उन्होंने क्या किया, 2 लाख की पॉपुलेशन को कंटेनमेंट जोन बना दिया। अब 2 लाख की पॉपुलेशन को आप घर के अंदर रखना और उसके ऊपर मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल था। फिर हमने उसको छोटा कराया, कंटेनमेंट जोन को छोटा कराया, ताकि उसके ऊपर सख्त निगरानी की जा सके और फिर उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन बेटर हुआ, एनफोर्समेंट बेटर हुआ। तो वो कमियां थी उसको ठीक भी करते जा रहे थे हम लोग। आप लगातार केंद्र सरकार के उस मूव की तारीफ कर रहे हैं कि भाई 2 महीने से उन्होंने बहुत बढ़िया रोल निभाया, ये इसलिए कि भाई अब समय आ गया है कि थोड़ा पैकेज वैकेज भी दीजिए, हमारी कमाई नहीं हो रही है, कम से कम हमारी जेब में इतने पैसे तो डालिए कि हम चीजों को आगे चला सकें, या फिर ये जेन्युइन है? और दूसरा, वो करना पड़ेगा, देखिए आप पहले जवाब दे लें फिर मैं अगला सवाल पूछता हूं। वो करना पड़ेगा बिकॉज इस वक्त मैं केवल दिल्ली की बात नहीं कर रहा, सभी राज्यों के अंदर मैं समझता हूं कि रेवेन्यू की सेम स्थिति है। मैंने 2-3 और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के स्टेटमेंट्स भी पढ़े थे जिसमें उन्होंने कहा कि रेवेन्यू आना बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया है। तो केंद्र सरकार को सभी राज्यों की कुछ ना कुछ मदद तो इस टाइम करनी पड़ेगी ताकि वो इसको इस स्थिति को, इकोनॉमिक्स जो प्रॉब्लम हो गई है इसको झेल सकें। लेकिन अब बहुत लंबा केंद्र सरकार भी मदद नहीं कर पाएगी, फ्रेंकली केंद्र सरकार का भी तो रेवेन्यू आना लगभग खत्म हो गया होगा ना। तो अब समय है अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने का। एक चीज पूरे देश को इस टाइम माननी पड़ेगी कि अब हमें कोरोना से जीने की तैयारी करनी पड़ेगी। कोरोना किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 0 हो जाएगा लॉकडाउन से, ऐसा मैं नहीं मानता कि 0 होने वाला है। पूरी दुनिया में 0 नहीं हो रहा जब तक इसकी दवाई नहीं आएगी। जब दवाई आएगी तभी कुछ इसका। तो अब हमें कोरोना के साथ जीने के लिए क्या करना है, 2 चीजें करनी है। कोरोना को फैलने से रोकना है। कोरोना कैसे फैलने से रुकेगा, खूब टेस्टिंग करो, खूब टेस्टिंग करो, जो मिले कोरोना का मरीज उसे ठीक करके घर भेजो। और दूसरा, मौत पे कंट्रोल करना है, किसी भी हालत में मौत नहीं होनी चाहिए। अगर मौत पे हमने कंट्रोल कर लिया, जैसे पिछली बार डेंगू के हमारे दिल्ली में लगभग 2000 मरीज हुए थे, हमने मौत एक भी नहीं होने दी। तो अगर मौत पे हमने कंट्रोल कर लिया तो कोरोना भी एक और दूसरी बीमारी हो जाएगी कि हाँ हुआ बुखार, ठीक हो गया, हुआ बुखार, ठीक हो गया, अगर हमने मौत पे कंट्रोल कर लिया। आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अमरीका के अंदर हजारों मौतें हो रही हैं, स्पेन के अंदर, इटली के अंदर, यूके के अंदर हजारों मौतें हो रही हैं, उससे लोगों को डर लगता है। अगर मौत होनी बंद हो गई तो लोगों का डर कोरोना के बारे में खत्म हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि टीम स्पिरिट से काम होगा, लेकिन अचानक इस महामारी के बीच में भी ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली और हरियाणा में तलवारें खिंच गई, ऐसे लगता है? उधर से कोई मंत्री बयान देता है गर्मा गर्म, नहीं कोई तलवार नहीं खींची मैंने, दिल्ली से बीमारी आ रही है नहीं आने देंगे दिल्ली साहब, थोड़ा ज्यादा, अपना एक ही देश है, दिल्ली भी एक ही है, हरियाणा भी एक ही है, हरियाणा वाले कोई अलग थोड़ी है, दिल्ली वाले कोई अलग थोड़ी हैं, हरियाणा वाले भी तो अपने ही हैं, दिल्ली वाले भी अपने ही हैं, महाराष्ट्र वाले भी अपने ही हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, पूरा देश जब तक एक यूनिट की तरह नहीं सोचेगा कोरोना खत्म नहीं होने वाला। जैसे अभी 10 दिन लॉकडाउन कर लो, कल तो खोलनी पड़ेगी दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर, इसके बॉर्डर, उसके बॉर्डर, सब खोलने पड़ेंगे, जब खोलेंगे फिर फैल जाएगा। तो मैं जब सोचता हूं तो मैं ये भी सोचता हूं कि हरियाणा में भी केस नहीं होने चाहिए, हरियाणा की भी तैयारी हो, राजस्थान की भी तैयारी हो, महाराष्ट्र की भी तैयारी हो, सारा देश, जब पूरे देश की तैयारी होगी कि कोरोना को कैसे लड़ना है, तब हम, तब दिल्ली बचेगी। दिल्ली ऐसे नहीं बचेगी कि दिल्ली अलग होके बच जाएगी, दिल्ली वालों को हरियाणा का भी सोचना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश का भी सोचना पड़ेगा, राजस्थान का भी सोचना पड़ेगा, अपने को सबको मिलकर एक देश की तरह सोचना पड़ेगा। मेरी खट्टर साहब से बात हुई थी परसों जी, बताया उन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले, मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा सर ये आप हरियाणा के ऊपर, तो वो थोड़े से कह रहे थे, बोले जी सारे केसेस दिल्ली से आ रहे हैं तो आप दिल्ली में ही अपने लोगों को रख लीजिए और फला, तो वो थोड़े से इस बात से, नेचुरली वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं तो उनकी अपनी चिंताएं थी हरियाणा को लेकर।